सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, इस समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस रन कर रही हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी, बच्चों, इन ऑनलाइन क्लासेस को आप गंभीरता से लें। आप घर में हैं, इसका मतलब आप फ्री नहीं हैं। जैसे आप हमेशा स्कूल आते थे, पढ़ते थे, वैसे ही घर में ही आप ये समझिए कि आपका विद्यालय जो है वो घर में ही। तो वैसे ही गंभीरता से पढ़ाई करें जैसे कि आप विद्यालय में करते रहे हैं। अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है? तो बच्चों, आपके फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और जल्दी ही आपका यूनिट टेस्ट सेकेंड होने वाला है। तो मैं आज यूनिट टेस्ट सेकेंड में जो चैप्टर्स आने हैं, चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ, ठीक है, तो वो मैं रिवाइज कराना चाहती हूँ आपको। तो बहुत ध्यान से सुने, ठीक है, और सुनने के साथ ही उसे लर्न करें, ठीक है बच्चों? तो आपका जो चैप्टर थर्ड है वो है व्याकरण पुनरावृत्ति पार्ट थर्ड, ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे धातु पुरुष परिचय, धातु पुरुष परिचय, ठीक है। अब बच्चों, धातु मीन्स क्या होता है एक बार और सुन ले। धातु का मतलब होता है क्रिया, ठीक है, जिसे आप कहते हैं वर्ब। तो संस्कृत में जो धातु है या जो क्रिया है उनके भी रूप चलते हैं, और संस्कृत में रूप जो है वो पांच लकारों में चलते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, एक बार फिर से सुनिए, लट लकार जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल के लिए हम कौन सी लकार का प्रयोग करते हैं, लट लकार का। दूसरा है लंग लकार, जिसका प्रयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं, और तीसरा है लिट लकार, जिसका प्रयोग हम भविष्यकाल के लिए करते हैं। और चौथा है लोट लकार, जिसका प्रयोग हम करते हैं आज्ञार्थक के लिए, ठीक है। और पांचवी लकार है विधिलिंग, जिसका प्रयोग हम चाहिए अर्थ में करते हैं। तो ये पांच लकारें हैं, मैं इसके बारे में आपको बताती हूं। हाँ, तो बच्चों, इस चैप्टर में आप धातु के बारे में पढ़ रहे हैं और पुरुष के बारे में, ठीक है। तो धातु यानी क्रिया, ठीक, तो ये जो धातु के रूप चलते हैं, संस्कृत में हर शब्द का रूप चलता है, ठीक है, वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, या क्रिया हो, या कर्म हो, ठीक है, तो रूप चलते हैं। तो ये वर्ब के रूप यानी धातु के रूप पांच लकारों में चलते हैं। पहला है लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे वह घर जाता है, वे दोनों अपना काम करते हैं, वे विद्यालय जा रहे हैं, तो ये क्या है, वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल के वाक्य है। और जब वर्तमान काल का वाक्य होगा तो उसके लिए हम कौन सी लकार का प्रयोग करेंगे, लट लकार, ठीक है। और संस्कृत में ता ती ते और रहा रही रहे के लिए हम एक ही लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आईएनजी के लिए कोई अलग से लकार नहीं होती, उसके लिए हम लट लकार का ही प्रयोग करते हैं, ओके। तो वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उनमें हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है लंग लकार, जिसे हम भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं, भूतकाल यानी पास्ट टेंस,
जैसे वह पढ़ता था, उसने अपना काम किया, वह घर गया। ये वाक्य कैसे हैं? ये भूतकाल के हैं। तो भूतकाल के वाक्यों के लिए हम कौन सी लकार प्रयोग करेंगे? लंग लकार। थर्ड नंबर है लिट लकार, जिसे हम भविष्यकाल के लिए प्रयोग करते हैं। भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। जैसे वह घर जाएगा, वे सब अपना काम करेंगे, वह गाना गाएगी। तो ये जो भविष्यकाल के वाक्य हैं, उनके लिए हम कौन सी लकार का प्रयोग करेंगे? लिट लकार। ठीक है। चौथी लकार है लोट लकार, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक शब्द का मतलब ही होता है आज्ञा देने के अर्थ में। जैसे जहां आज्ञा दी जा रही, तुम घर जाओ, तुम पढ़ो, तुम अपना कार्य करो, तो ये इस तरह के वाक्य जो है इनमें हम ऑर्डर कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो जब हम आज्ञा देने वाले वाक्य हमारे पास होते हैं, तो उनको उनके लिए हम कौन सी लकार का प्रयोग करते हैं? लोट लकार। ठीक है। पांचवी लकार है बच्चों विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। तो इस तरह से जो चाहिए अर्थ वाले वाक्य होते हैं बच्चों, उनके लिए हम कौन सी लकार का प्रयोग करते हैं? विधिलिंग लकार। ठीक है। तो इस तरह से संस्कृत में धातु रूप जो चलते हैं, उसके लिए हम पांच लकारों का प्रयोग करते हैं। कौन सी लकार है? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो इस तरह से बच्चों ये पांच लकारें होती हैं, जिनके अलग अलग तरीके से रूप चलते हैं। और आपकी बुक में यानी आपके इस थर्ड लेसन में लट लकार के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चलती चलता चलंती, या पठति पठता पठंती, पठसी पठथा पठत, पठामी पठावा पठामा। तो ये कौन सी लकार है? लट लकार। ठीक है। तो अभी आप बच्चों लट लकार के वो याद करें। ठीक है। अब ये तो हो गया धातु के बारे में। अब देखिए पुरुष परिचय। पुरुष यानी संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष यानी थर्ड पर्सन। ठीक है। तो इस तरह से ये तीन पुरुष यानी कर्ता होते हैं। ठीक है। प्रथम पुरुष में कर्ता आता है सा तोते, मध्यम पुरुष में कर्ता आता है त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम आवाम वयम। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में आपने धातु और पुरुष के बारे में पढ़ा है। जो रूप आपकी बुक में दिए हुए हैं उन्हें आप लर्न करें, धातुओं के बारे में पढ़ें। देखिए चैप्टर पेज नंबर 21 पर कई धातुएं दी हैं जिनका अर्थ भी दिया है, और कैसे रूप चलना है उन धातुओं का ये भी लिखा हुआ है। तो आप पेज नंबर 21 जरूर देखें। ठीक है। तो धातु का अर्थ कैसे दिया है? जैसे पढ़ धातु है, पढ़ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, हंस मीन्स हंसना, तो उसका अर्थ दिया है। फिर उसके तीनों वचनों में रूप दिए, जैसे कि लिख धातु है तो लिखति लिखतः लिखन्ति, हस धातु है तो हसति हसता हसन्ति, खेल धातु है तो खेलति खेलतः खेलन्ति। तो ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आपके लेसन में, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के साथ साथ इन्हें याद जरूर करें। ठीक है बच्चों, याद करना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैंने जितना आपको बताया है, इसे बहुत गंभीरता से पढ़ें, याद करें। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।